त्वरित समाचारों में आप देखते हैं अपराध जगत और हादसे से जुड़े समाचार, वो समाचार जो दुख पहुंचाने वाले हैं। लखनऊ के ही ठाकुरगंज इलाके में बेखौफ बाइक सवार बदमाशों ने साइकिल से ड्यूटी पर जा रहे 50 वर्षीय गार्ड राजकुमार की गोली मारकर हत्या की। हत्या की वजहों का अब तक खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। यूपी की राजधानी लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार की मौत। घटना से गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों पर जमकर लाठियां भांजी। लखनऊ के विभूतिखंड इलाके के पेट्रोल पंप पर आए कुछ युवकों ने पेट्रोल भराने के बाद पूरे पैसे नहीं दिए। पैसे मांगने पर युवकों ने पंप पर जमकर हंगामा काटा और पेट्रोल पंप के स्टाफ के साथ मारपीट भी की। मामला बढ़ता देखकर बाइक छोड़कर भागे बवाल कर रहे युवक। मेरठ में एक दरोगा पर अपनी बहू को बंधक बनाकर रेप करने का आरोप। पीड़िता की शिकायत पर एसएसपी ने आरोपी दरोगा को सस्पेंड कर दिया है। झारखंड के खूंटी में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। खूंटी से पुलिस ने 2 लाख के इनामी नक्सली पट्टू नाग को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली पट्टू नाग पीएनएफआई का एरिया कमांडर है। बिहार के रक्सौल में 6000 के जाली नोटों के साथ 2 नेपाली मूल के युवक गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक जाली करेंसी को सैंपल के तौर पर दिखाने लाए थे युवक। गिरफ्तार युवक को पुलिस से पूछताछ कर रही है। गुजरात में सूरत के डिंडोली इलाके में पाव भाजी की ठेले की सफाई के दौरान करंट लगने से 3 लोगों की मौत। ठेले में लगी इलेक्ट्रिक वायर कट जाने की वजह से हुआ हादसा। ठेले के मालिक ने गलत तरीके से लगवाया था बिजली का कनेक्शन। गुजरात के अहमदाबाद यूनिवर्सिटी इलाके में खुले में शौच करते व्यापारी का वीडियो वायरल हुआ। गुजराती फिल्म अभिनेत्री मोनल गज्जर ने शख्स पर खुले में शौच करते हुए वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के दौरान शख्स ने अभिनेत्री के साथ भी बदसलूकी की। गुजरात के अहमदाबाद के वस्त्रापुर इलाके में सूर्यवंशी टावर में महिला की लाश मिलने से हड़कंप। पुलिस के मुताबिक घरेलू कलह के चलते महिला के पति ने दिया वारदात को अंजाम। आरोपी पति एक बैंक में मैनेजर है। हरियाणा के अंबाला में नवजात बच्चे को 1.5 लाख रुपए के लिए बेचती 2 महिलाओं को पुलिस ने रंगों हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्तार महिलाओं से पूछताछ कर रही है। दिल्ली के सीमापुरी इलाके में एक महिला ने अपने दूसरे प्रेमी के साथ मिलकर अपने पहले प्रेमी को मौत के घाट उतारा। पुलिस की पूछताछ में महिला ने अपना जुर्म कबूला। दिल्ली के छावला इलाके में स्कूल चलाने वाली महिला की 2 बदमाशों ने स्कूल में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी। हरियाणा के बादली में महिला के भाई की भी गोली मारकर हत्या की गई। नवीन नाम के शख्स पर दोनों हत्याओं का शक। पुलिस प्रॉपर्टी को बता रही है हत्या की वजह। हैदराबाद में एक पिता ने अपने ही बेटे का हाथ काट दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी पिता अपने बेटे की पॉर्न देखने की लत से परेशान था। पिता की कई बार चेतावनी देने के बाद भी बेटे ने पॉर्न देखना बंद नहीं किया था। हैदराबाद में 10 बदमाशों ने एक गहनों की दुकान के मालिक के घर में घुसकर 5 किलो सोना लूटा। पुलिस की स्पेशल टीम कर रही है आरोपियों की तलाश। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।